हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी आईएएस। तो यहाँ पर गाइस हम लोग आर्ट एंड कल्चर डिस्कस कर रहे हैं। नितिन सिंघानिया की बुक है जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम हर पार्ट में बताते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बुक से। सो गाइज़ यहाँ पर कोर्स ये पूरा का पूरा मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, दीपक यादव। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर वन का पार्ट वन प्लस पार्ट टू कवर कर चुके हैं, जहाँ पे हमने हरप्पन सिविलाइजेशन को बहुत अच्छी तरीके से आर्किटेक्चर प्लस स्कल्पचर सब कुछ कवर कर लिया है, विद पिक्चर्स, लोकेशंस, सब कुछ। अब यहाँ पर हमारा पार्ट थ्री स्टार्ट हो रहा है। हम पार्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट पार्ट में पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है और प्लस कंसंट्रेशन भी बना रहता है। अगर आप लंबे लेक्चर्स पढ़ोगे, एक डेढ़ घंटे के, दो दो घंटे के, तो उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। बट यहाँ पर इसलिए हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने अभी क्या करा है, हमने अपना हरप्पन आर्ट कवर कर लिया है। हरप्पन आर्ट के बाद आया था मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो हम अब मौर्यन आर्ट और आर्किटेक्चर को देख रहे हैं कि वहाँ पर किस किस तरीके के आर्किटेक्चर्स थे, क्या क्या हमें मिले हैं, कैसे कैसे स्कल्पचर्स थी। ठीक है, हमें ये सारी चीज़ें देखनी है अब। तो जो मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, ये किसके साथ एडवेंट हुआ, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जो कि पार्ट थे श्रमण ट्रेडिशन के। बुद्धिज्म और जैनिज्म के साथ यहाँ पर मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर का यहाँ पर एडवेंट हुआ, और जो कि पार्ट थे श्रमण ट्रेडिशन के। अभी हम श्रमण ट्रेडिशन को डिटेल में देखेंगे। द रिलीजियस एंड सोशल सिनेरियो ऑफ गैंगटिक वैली बिगेन टू अंडरगो चेंजेस। अब यहाँ से क्या हुआ, रिलीजियस और सोशल सिनेरियो था वो चेंज होने लगा। तो यहाँ पर हम लोग अब श्रमण ट्रेडिशन देखते हैं होता क्या है। जो श्रमणा है संस्कृत में क्या कहते थे, समना, ठीक है, पाली। इसका मीन क्या होता है, सीकर या फिर पर्सन हु स्ट्राइव, यानी एक ऐसा पर्सन जो मेहनत करने से बिल्कुल भी ना डरता हो, मेहनत करने से बिल्कुल भी ना कतराता हो और कुछ भी करने को तैयार हो। ही abandoned हिज होम टू लीड अ लाइफ ऑफ wandering एंड beginning। ये अपने घर को त्याग देता है, अपने घर को छोड़ देता है ताकि ऐसी लाइफ जी सके कि वो अपने दम पर, अपने पैरों पे खड़ा होकर वो दिखाए और अपने मेहनत के थ्रू वो अपनी सक्सेस जो है वो अचीव करे। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू कंट्रोलिंग एंड लिमिटिंग हिज डिजायर्स। ये अपने आप को क्या करते हैं, अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करते हैं, लिमिट करते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा चाहते वो अपनी जो जितनी ज़्यादा चाहते होती हैं फिर उतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, देन वही चीज़ वो क्या करते हैं, वहाँ पे डिज़ायर्स को अपने कंट्रोल कर लेते हैं। प्रैक्टिसिंग योगा करते हैं, परफॉर्मिंग सेवरल रिलीजियस ऑस्ट्रिटीज इन द फॉरेस्ट टू एस्केप डेथ, यानी कि बहुत सारे मेहनत के काम इस तरीके से ऐसे करते हैं, मतलब पूरी तरीके से मेहनत के अंदर पूरा डूब जाते हैं ऐसे, कि इस तरीके से अपने को बनाते हैं वो लोग ताकि वो अगर फॉरेस्ट में रहें तो अपनी मौत को कभी भी, मौत से जो है हमेशा बच के रहें, ठीक है। इस तरीके से वो लोग अपने ऊपर काम करते हैं और अपने अपनों को जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग प्लस हार्ड वर्कर बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा है श्रमण ट्रेडिशन, जो ऐसा ट्रेडिशन चला था जहाँ पर ये हमारे बुद्धिज्म और जैनिज्म एडवेंट हुए थे, आए थे, ओरिजिन हुए थे। उसके बाद आते हैं हम मौर्यन आर्ट में। हमारे जो मौर्यन आर्ट है वो दो पार्ट्स में कवर है, एक तो कोर्ट आर्ट, एक पॉपुलर आर्ट। और कोर्ट पार्ट के भी तीन, यानी जो कोर्ट पार्ट है उसके में जो आर्किटेक्चर हुआ था उसमें पैलेसेस बने, पिलर्स बने, स्तूपाज बने। और जो हमारा पॉपुलर आर्ट था यानी इंडिविजुअल आर्ट, तो इसमें केव्स बने, पॉटरीज और स्कल्पचर्स। अब आपको कोर्ट आर्ट समझ में आ ही रहा होगा, जैसे पैलेसेस हैं, पिलर्स हैं, तो फिर ये कुछ राजा महाराजा से रिलेटेड होगा, ठीक है, सभा होगी, बड़े बड़े पैलेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कुछ राजा से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम कोर्ट आर्ट आ गया है। कोर्ट आर्ट में हम लोग पैलेसेस देखेंगे, कैसे कैसे पैलेसेस आए, किस तरीके से बनाए जाते थे पैलेसेस, क्या मटेरियल यूज़ करा जाता था उनमें, पिलर्स कैसे बनते थे, क्या क्या मटेरियल यूज़ करा जाता था, स्तूपास कैसे बनते थे, कैसे कैसे उनका आर्किटेक्चर था, किस तरीके से डिज़ाइन करते थे और क्या मटेरियल यूज़ करा जाता था। ऐसे ही हम केव्स, पॉटरी और स्कल्पचर्स को भी कवर करने वाले हैं, तो गाइज स्टे ट्यून। यहाँ पर हम लोग आते हैं कोर्ट आर्ट। तो कोर्ट आर्ट हमने पढ़ा अभी, कोई राजा महाराजा से रिलेटेड यहाँ पे पैलेसेस आए, पिलर्स, स्तूपास। अब यहाँ पे जो मौर्यन रूलर्स थे वो ज़्यादातर आर्किटेक्चरल वर्क्स, जो यहाँ पे बहुत सारे मौर्यन रूलर्स ने आर्किटेक्चर वर्क किया, बहुत ज़्यादा करा, फॉर पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस रीज़न। इसके पीछे दो रीज़न थे, एक पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकता है और रिलीजियस रीज़न भी। अब पॉलिटिकल रीज़न कैसे हो सकता है, जो मौर्यन रूलर्स थे, पॉलिटिकल ऐसा हो सकता है कि ताकत से रिलेटेड, यानी कि उस टाइम पे ऐसा होता होगा
कि जिसका सबसे ज्यादा बड़ा पैलेस, ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा बड़ा राज्य, वो सबसे ज्यादा पावरफुल, यानी वो पॉलिटिकल रीजन हो गया। रिलीजियस रीजन यानी कि जैसे जैसे अब रूलर्स आने लगे, ठीक है, मौर्य रूलर्स के टाइम पे जैसे जैसे रूलर्स आने लगे, जैसे कि बुद्धिज्म आया तो उन्होंने स्तूपाज अपनी अपने रिलीजियस के थ्रू अपने अपने धर्म के जैसे प्रति चीजें बनवानी स्टार्ट करी। हिंदूज आए तो टेम्पल्स बनवाए, और उसके बाद बुद्धिज्म आया तो स्तूपाज बनवाए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ये हमारा रिलीजियस रीजन हो गया, पॉलिटिकल रीजन, दोनों चीजें कवर हो गई। उसके बाद दीज वर्क्स आर रेफर टू एज कोर्ट आर्ट। अब जो ये वर्क हुए हैं पॉलिटिकल रीजन से और रिलीजियस रीजन से, जो मौर्यन रूलर्स ने आर्किटेक्चर करवाए हैं सब, तो वो सब क्या हो गया, कोर्ट आर्ट कहलाता है। अभी हम देखते हैं सबसे पहले कोर्ट आर्ट में क्या बने, पैलेसेस, बड़े बड़े महल बने गए। द मौर्यन एम्पायर वॉज द फर्स्ट पावरफुल एम्पायर टू कम टू पावर इन इंडिया। अब आपको एक चीज ध्यान भी रखनी है, जो मौर्यन एम्पायर था वो फर्स्ट सबसे ज्यादा ताकतवर एम्पायर था जो इंडिया में आया। फिर उसके बाद कैपिटल जो कि पाटलिपुत्र थी, एंड पाटलिपुत्र की, एंड द पैलेसेस एट कुमरा हार्वर क्रिएटेड टू द रिफ्लेक्ट स्प्लेंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। यानी कि अब क्या हुआ, जो पैलेसेस बनवाए गए कुमराहर में, कैपिटल तैयार करी गई पाटलिपुत्र की, तो ये सब क्या है, एक रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, कि किस तरीके से मौर्यन एम्पायर का आर्किटेक्चर था उस टाइम पे। अभी हम आगे पिक्चर्स भी देखेंगे। द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज इंस्पायर्ड बाय द आर्किमेनिड पैलेसेस एट पोलिस इन ईरान। जो पैलेस था चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, अभी मौर्यन आर्ट किसने स्टार्ट किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट किया था मौर्यन, ठीक है, मौर्यन एम्पायर। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस था वो उन्होंने इंस्पायर होके बनवाया, किससे, ईरान से इंस्पायर होके, ईरान, ईरान की जो स्ट्रक्चर देख के, ईरान का वहां पे आर्किटेक्चर देख के, यहाँ पर उन्होंने इंस्पायर होने के बाद यहाँ पे पैलेसेस बनवाया, जिसे हम कहते हैं आर्किमिनिड पैलेसेस, जो कि ये एक ईरान की, यहाँ पर ये ईरान के जो है ईरान का वर्क था, हम वहां से इन्फ्लुएंस होके हमने यहाँ भी स्टार्ट करवा दिया। उसके बाद वुड वॉज द प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल। जो वुड होता था यानी लकड़ी हुई थी, लकड़ी हुआ करती थी, वो एक बहुत ज्यादा प्रिंसिपल मटेरियल, यानी कि ज्यादातर जो भी चीजें बनाई जाती, ज्यादातर लकड़ी का यूज करा जाता था। मेगास्थनीज डिस्क्राइब द पैलेस एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस ऑफ मैनकाइंड। जो मेगास्थनीज थे जो घूमने आए, वो बताए थे कि जो पैलेस थे वो उस टाइम के बहुत बड़े बड़े क्रिएशंस थे। उसके बाद सिमिलरली अशोकास पैलेस एट कुमराहर, यानी कि एक अशोका का पैलेस जो कि कुमराहर में, वॉज अ मैसिव स्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था। इट हैड अ हाई सेंट्रल पिलर एंड वॉज अ 3 स्टोरी वुडन स्ट्रक्चर। उसमें जो पैलेस वो किस तरीके से तैयार हुआ बता, उसमें बहुत बड़े बड़े सेंट्रल, बहुत विशाल विशाल, ठीक है, बीच में पिलर्स लगे हुए थे, पिलर लगे हुए थे, और 3 मंजिला वहां पे वो वुडन स्ट्रक्चर था, 3 मंजिला वो लकड़ी का बना हुआ था। द पैलेस वॉल्स वर डेकोरेटेड विद कार्विंग्स एंड स्कल्पचर्स। जो पैलेस की वॉल्स थी, अशोकास का जो पैलेस था अशोका का, जो उसकी वॉल्स थी वो डेकोरेट करी गई थी कार्विंग्स के थ्रू, नक्काशियां करी गई थी उन पर, स्कल्पचर्स बनाए गए थे। स्कल्पचर्स हम पढ़ ही चुके हैं कैसे कैसे बनते हैं, स्टैचूज वगैरह, इस जो फिगर्स होती हैं उनके थ्रू यहाँ पर वॉल्स को, जो पैलेस की थी वहाँ पर डेकोरेट किया जाता था। उसके बाद यहाँ पे साइट ऑफ पैलेस एट कुमरार, यहाँ पे एक स्थान है पैलेस का जो एक कुमराहर में, इस तरीके से यहाँ पर ये पिक्चर आपकी बुक में भी दी हुई है नितिन सिंघानिया की, और यहाँ पे मैंने कलरफुल पिक्चर यहाँ पे लगा दिए। उसके बाद पैलेस तो कवर कर लिया हमने, पैलेस किस तरीके से हुआ करते थे, अब पिलर्स भी स्टार्ट हो गए बनने, ठीक है। अब पिलर्स किस तरीके से बनते थे, ये भी जो पिलर्स हैं ये सबसे ज्यादा हम लोग कहाँ से, ईरान से इंस्पायर होके हमने पिलर्स को यहाँ पर लॉन्च कर दिया था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका, जब अशोका का टाइम चल रहा था, द इंस्क्रिप्शन ऑफ पिलर्स एज अ सिंबल ऑफ द स्टेट और टू कॉमरेट बैटल विक्ट्रीज। और जो पिलर्स थे, यानी कि अशोका पिलर्स किस तरीके बनवाते थे, यानी कि पिलर्स वो इसलिए बनवा देते थे ज्यादातर ताकि वो लोगों को अपना मैसेज दे सकें, ठीक है, या फिर वो लोग, ही ऑल्सो यूज टू पिलर्स टू प्रोपोगेट इम्पीरियल सर्मन्स एज वेल, वो सीख दे सकें, टीचिंग्स कर सकें पिलर्स के थ्रू, और प्लस अगर वो कहीं बैटल करके युद्ध से अगर विक्ट्री उनकी उन्होंने जीता है, जीत हासिल करी है, तो वो भी पिलर्स के थ्रू बताया जाए, इस तरीके से वो वहाँ पर पिलर्स बनवाने स्टार्ट करे गए। ऑन एन एवरेज ऑफ 40 फीट हाई द पिलर्स वर यूजुअली मेड ऑफ चुनार सैंड स्टोन। यानी कि 40 फीट हाई पिलर्स हुआ करते थे, और जो ज़्यादातर जो पिलर्स बना करते थे वो चुनार सैंड स्टोन से बना करते थे, ठीक है, और जो पिलर हुआ करता था उसमें 4 पार्ट हुआ करते थे।
पिलर, ये इस तरीके से पिलर बना हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें चार पार्ट हुआ करते थे, एक नीचे, फिर दो ऐसे करके। हम अब इसे पूरी बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, तो गाइस बने रहना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चारों पार्ट्स किस तरीके से हम लोग पिलर्स को हम बनाते थे। अब जो सबसे पहला पार्ट था, अ लॉन्ग शाफ्ट फॉर्म द बेस वॉज मेड अप ऑफ सिंगल पीस ऑफ स्टोन और मोनोलिथ। जो एक लॉन्ग सा नीचे पहले पिलर के इस तरीके से हुआ करता था, बेस जिसे कहते हैं आप, ये नींव जो फाउंडेशन होती थी वो इस तरीके से हुआ करती थी, जो कि मोनोलिथ यानी कि एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बना करती थी। एक ही पीस का स्टोन यूज करा जाता था, एक ही मटेरियल यूज करा जाता था उस यहाँ पर, जो ये नीचे का शाफ्ट है उसे बनाने के लिए। उसके बाद ऑन द टॉप ऑफ इट ले द कैपिटल विच वॉज इधर लोटस शेप्ड और बेल शेप्ड। फिर उसके ऊपर एक और बनाया गया कैपिटल, बनाया गया कैपिटल कहते थे, जो कि लोटस शेप में होता था, हुआ करता था, और बेल शेप में, ठीक है, बेल शेप में हुआ करता था इस तरीके से। अभी हम लोग पिक्चर देखेंगे। द बेल शेप्ड कैपिटल्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इरानियन पिलर। जो बेल शेप्ड कैपिटल्स है, यानी कि एक जो पार्ट है, एक हमने एक पार्ट हो गया शाफ्ट, उसके ऊपर बने कैपिटल्स, या फिर वो इस तरीके से बेल में, बेल के शेप में बनते थे। तो जो बेल शेप था वो हम इरानियन पिलर से हमने इंस्पायर होके बनवाया। एज वॉज द हाईली पॉलिश्ड एंड लस्ट्रस फिनिश ऑफ द पिलर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा हाईली पॉलिश्ड हुए हुए थे पिलर्स, प्लस लस्ट्रस यानी चमचमाते हुए पिलर्स बना करते थे। अभी हम पिक्चर देखते हैं पिलर की, यहाँ पर इस तरीके से। सबसे पहले हमारा जो इसके नीचे हुआ करता था बेस, शाफ्ट जो होता है, ये देखिए यहाँ पे, इसे हम शाफ्ट कहते थे। उसके ऊपर यहाँ पर बेस हुआ करता था, उसके ऊपर यहाँ पे अबैकस इस तरीके से हुआ करता था, उसके ऊपर हम यहाँ पे एक एनिमल को प्लेस कर देते थे। अब अबैकस जो हमारा कैपिटल है वो बेल, यहाँ पे लोटस शेप या फिर बेल शेप में इस तरीके से यहाँ पे हमारा कैपिटल बनता था। अभी हम आगे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अबव द कैपिटल, कैपिटल के अबव यानी कि इसके ऊपर क्या हुआ करता था, अबैकस। अबैकस के बारे में, देयर वॉज अ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर बेस नोन एज द अबैकस, यानी कि एक हमारा लॉन्ग शाफ्ट हो गया, उसके ऊपर हम समझ लिए हमने इस तरीके से हमने क्या बनाया, कैपिटल। अब इसके ऊपर यहाँ पे ये जो है सर्कुलर भी हो सकता था, रेक्टेंगुलर भी हो सकता था, यानी गोल भी हो सकता था, इस तरीके से गोल भी हो सकता था और रेक्टेंगुलर भी हो सकता था, तो यहाँ पर हम लोग हुआ करता था, तो यहाँ पे इसे हम कहते थे अबैकस। जिस पर, और फिर उसके ऊपर हम लोग एक एनिमल को बैठा देते थे, एनिमल को प्लेस कर देते थे। अभी हम यहाँ पे देखते हैं पिक्चर्स के थ्रू, यहाँ पे जो है हमारा रेक्टेंगुलर अबैकस, यहाँ पे कौन सा है, सर्कुलर, इसके ऊपर हमने एनिमल को प्लेस कर दिया। इस तरीके से हमारा पिलर्स डिजाइन हुआ करते थे। एग्जाम्पल है हमारे पास सारनाथ पिलर, जो कि वाराणसी में है, लौरिया नंदगढ़ पिलर, जो कि चंपारण में है। सारनाथ पिलर हमारा कौन सा है, यह है हमारा सारनाथ पिलर। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। जो सारनाथ पिलर है उसे नेशनल एम्बलम भी कहा जाता है, तो नेशनल एम्बलम के बारे में बातें हम कुछ जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि नेशनल एम्बलम के बारे में बताइए। अब जो है सारनाथ पिलर को ऑफिशियल नेम मिल गया, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। अब नेशनल एम्बलम का थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी एक बार पूछ चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन। इन द अबेकस ऑफ द सारनाथ पिलर फोर एनिमल्स वर शोन रिप्रेजेंटिंग आर शोन रिप्रेजेंटिंग फोर डायरेक्शंस, यानी कि सारनाथ पिलर के अबेकस यानी जो अबेकस हुआ करता था, इसके ऊपर फोर एनिमल्स, चार एनिमल्स हैं जो अलग अलग यानी चारों दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो चार एनिमल कौन कौन से हैं, पहला है गैलोपिंग हॉर्स जो कि वेस्ट में है, बुल जो कि ईस्ट में है, एन एलिफेंट जो साउथ में, एंड अ लायन जो नॉर्थ साइड में। ये चारों चारों तरफ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ये फोर एनिमल्स। इन द एम्बलम ऑफ इंडिया द वर्ड सत्यमेव जयते फ्रॉम मुंदका उपनिषद मीनिंग द ट्रुथ अलोन ट्रेम्स आर इंस्क्राइब्ड बिलो द अबैकस इन देवनागरी स्क्रिप्ट। जो एम्बलम है वहाँ पे जो वर्ड सत्यमेव जयते जो मुंदाका उपनिषद से लिए गए हैं, जिसका मतलब है सच्चाई ही एक जीत का रास्ता बन जाती है, ये नीचे इंस्क्राइब हुए हुए हैं, ठीक है, ये हम वहाँ पर लिखे हुए हैं। किस में लिखे हुए हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट के, देवनागरी के लैंग्वेज में, स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। जो कैपिटल इज क्राउन्ड बाय द व्हील ऑफ द लॉ, जो कैपिटल है उसे व्हील से यहाँ पर बनाया गया है, जिसे हम धर्म चक्र भी कहते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक व्हील भी बना हुआ है, ठीक है, सारनाथ पिलर में।
उसके बाद द लायन सिम्बलाइज बुद्ध स्प्रेडिंग धम्मा इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि लायंस क्या बता, लायन क्या बताता है कि जो बुद्ध थे, बुद्ध थे वो अपनी सर्मन्स यानी सर्मन्स को स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है, स्प्रेड कर रहे हैं अपनी चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब जगह पे अपने बुद्ध जो है वो अपनी सर्मन टीचिंग्स को स्प्रेड कर रहे हैं। इट वॉज बिल्ट इन द कमोरेशन ऑफ द फर्स्ट सर्मन बाय बुद्ध और द धम्म चक्र परिवर्तन, यानी कि जो ये बिल्ट हुआ सानात पिलर वो क्या हुआ, फर्स्ट सर्मन कैसे हुआ, जबकि जब पहली बार बुद्ध ने अपनी सर्मन दिया था जिसे हम धम्म चक्र परिवर्तना कहते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सारनाथ पिलर बिल्ट हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग स्तूपा पे, हम लोगों ने पैलेस कवर कर लिए, पिलर्स कैसे होते थे कवर कर लिए, अब आ गए हम लोग स्तूप्स पे, स्तूपास कैसे होते थे। स्तूपा वर ब्रूयल मॉन्ड्स प्रिवेलेंट इन इंडिया फ्रॉम द वैदिक पीरियड, ठीक है, ब्रूयल मॉन्ड यानी कि माउंट जो कि जिसकी जैसे किसी की डेथ हो गई तो उनकी हड्डियाँ हो, क्लॉथ्स हो, कोई भी सामान हो तो उस चीज़ को ऐसे डाल डाल के उस पर प्लास्टर कर देते थे, यानी इस चीज़ को रखकर ऐसे उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया, फिर उसको रखा उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया, उसके ऊपर रखा इस प्लास्टर कर दिया, हड्डियाँ रखी उस प्लास्टर कर दिया, इस तरीके से डेथ के बाद जो चीज़ें आती रहीं वो प्लास्टर करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर ये स्तूपाज ऐसे करके बनने लगे, उनके यहाँ पर दफना दिया जाता था सामान को, ठीक है, जो कि वैदिक पीरियड से स्टार्ट हुआ। इट इज़ द कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूनरल क्यूमुलस इन विच रिलिक्स एंड एशेस ऑफ द डेड वर कैप्ट, रिलिक्स यानी कि रिलेटेड थिंग्स जो फिर जो भी जो जिसकी डेथ हुई है उनसे संबंधित जो सामान है वो चीज़ें रखने के बाद, और उनकी एशेस ऑफ द डेड यानी कि उनकी बॉडी को जलाने के बाद जो ऐश राख होगी, राख होती है, उस चीज़ को रखने के बाद या बोन्स को रखने के बाद प्लास्टर कर देते थे, ये चीज़ रखने के बाद प्लास्टर कर देते, इस तरीके से हमारा स्तूपा बनता जाता था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका द आर्ट ऑफ स्तूपाज रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स, अशोका के टाइम पे स्तूपा क्लाइमेक्स तक अपने पहुंच गया। ऑलमोस्ट 84,000 स्तूपाज वर इरेक्टेड ड्यूरिंग इस पीरियड, यानी कि इस टाइम तक कम से कम 84,000 स्तूपाज बन चुके थे, मतलब कि ये स्तूपा की कहानी बहुत पहले से आ रही थी, यानी कि अभी स्टार्ट हुआ, स्तूपा की कहानी बहुत पहले से ही चलती हुई आ रही थी। Although a Vedic traditional stupa were popularized by Buddhist, यानी कि उसके बाद भी ऐसा हुआ कि जो स्तूपास थे वो पॉपुलर कैसे हुए, बुद्धिस्ट के थ्रू वहाँ पे स्तूपास पॉपुलर हो गए बाद में। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, यानी कि बुद्धा की जब डेथ हुई तो 9 स्तूपास वर इरेक्टेड, 8 ऑफ देम हैड द रिलिक्स ऑफ बुद्धा एट देयर मेधी वाइल द 9th हैड द पॉट इन विच द रिलिक्स वर ओरिजिनली कैप्ट। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि जब बुद्धा की डेथ होने के बाद 9 स्तूपास बनाए गए, जिसमें से 8 स्तूपास में ऐसा था कि उनके रिलेटेड थिंग्स, ठीक है, यानी बोन्स होंगी या फिर उनके रिलेटेड जो थिंग्स होंगी वो चीज़ जो स्तूपा था उसकी मेधी में रखा गया, ठीक है, मेधी में रखा गया, जबकि जो 9th वाला स्तूपा था हमारा उसमें क्या कह रहा है, एक पॉट में उनके रिलिक्स रखे गए, ठीक है, एक पॉट के अंदर उनके रिलिक्स रखे गए, और जो हमारा 8वां स्तूपा, 8 जो स्तूपा थे हमारे पहले, 9 में से जो 8 स्तूपा थे वहाँ पर उनकी जो रिलिक्स या फिर उनकी जो संबंधित चीज़ें थीं वो मेधी में रखा गया। अभी हम स्ट्रक्चर पूरा डिस्कस करने वाले हैं स्तूपा का, ध्यान से गाइस बने रहना, स्तूपा का हम स्ट्रक्चर पूरा डिस्कस करेंगे किस तरीके से होता था, हम मेधी भी बताएंगे मेधी का क्या होती थी, ठीक है, मेधी वहाँ पर उनका ज़्यादातर रिलिक्स रखे गए थे। अब बेसिक डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्तूपा इज गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, अब जो बेसिक डायग्राम है हम लोग वो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। स्तूपा कुछ ऐसा दिखाई देता था, अब यहाँ पर हम पूरी लेबलिंग डिस्कस करने वाले हैं सब कुछ डिटेल में, तो गाइस कंसंट्रेशन से बिल्कुल आप बने रहना, और जो यहाँ पर अब स्तूपा हम देखेंगे इसकी पूरी लेबलिंग, और मेधी क्या हुआ करती थी, पहले मैं आपको मेधी बता देता हूँ, जहाँ मेधी ये चीज़ हुआ करती थी, ये नीचे वाली लाइनिंग जब मैंने अभी ये करा लाइन लगाई यहाँ पर, ये हुआ करती थी मेधी, तो जो 9th स्तूपा, 8 जो 9 में से जो 8 स्तूपा थे वहाँ पे जो बुद्धा का रिलिक्स रखे गए वो इसमें रखे गए, और जो एक बचा स्तूपा उसमें क्या रखा गया, उसमें जो मेधीज वो उसमें जो रिलिक्स रखे गए वो एक पॉट में रखे गए, ठीक है। अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं स्तूपा को, तो स्ट्रक्चर में हमारा स्तूपास कुछ ऐसा दिखते थे, यहाँ पर एक के ऊपर एक समा कुछ रख के बाद प्लास्टर कर दिया जाता था, फिर कुछ रखा जाता था फिर प्लास्टर कर दिया जाता था, इस तरीके से यहाँ पे स्तूपाज हमारे बन जाते थे। अब जो स्तूपाज में क्या होते थे, सबसे पहले हमें तोरण दिखाई दिए, ठीक है, तोरण क्या होते थे, तोरण गेटवेज होते थे, यानी जहाँ से हम घुस सकते हैं अंदर,
बट एक चीज़ मैं पहले बता दूं, आप इसके अंदर नहीं जा सकते, स्तूपा के अंदर एंट्री नहीं हो सकती है, ठीक है। स्तूपा के अंदर नहीं जा सकते हैं आप, यहाँ के किनारे किनारे घूम के आप प्रदक्षिणा कर सकते हैं बट स्तूपा के अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पे जो तोरण्स हैं, तोरण सबसे पहले, तोरण क्या होते हैं, तोरण जो होते हैं वो गेट होते हैं बाहर के, जो फेंस हुई हुई है वहाँ पे गेट हुआ करते थे। यहाँ ये जो तोरण्स हुआ करते थे स्तूपाज में चारों तरफ हुआ करते थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेस्ट साइड भी है, साउथ साइड भी है, ईस्ट साइड भी है, और अब उधर नॉर्थ साइड भी होगा, यानी चारों तरफ स्तूपाज में तोरण हुआ करते थे। डबल स्टेयर वे है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इधर से भी चढ़ के जा सकते हैं, आप पहले इधर से चढ़ के जाएंगे और आप यहाँ पर ये जो बालकनी टाइप है आप यहाँ पे घूमकर इधर से इधर तक गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा कर सकते थे, कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रास्ता है इसे हम क्या कहते हैं, एम्बुलेटरी पैसेज वे, यहाँ पे, यहाँ पे आप प्रदक्षिणा करते थे हम। फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्टोन फेंस बना, यहाँ बाउंड्री स्टोन फेंस था। उसके बाद स्तूपा डोम हमने पढ़ ही लिया, उसके ऊपर स्तूपा के क्या होता था, हर्मिका, वो कुछ ऐसे हुआ करती थी, उसके ऊपर यस्ती नीचे और उसके ऊपर छतराज, इस तरीके से हमारा स्तूपा डिजाइन करा गया था, ठीक है। हमने यहाँ पे पूरी लेबलिंग देख ली। अब बात करते हैं, द कोर ऑफ द स्तूपा वॉज मेड ऑफ अनबर्न ब्रिक, यानी जो कोर स्तूपा का कोर बनता था, अंदर की साइड से जो बनता था स्तूपा, वो कच्ची ईंटों से बनता था, जो पकाई हुई नहीं होती थी, कच्ची ईंटों से बनता था। वाइल द आउटर सरफेस वॉज मेड बाय यूजिंग बर्नट ब्रिक, अंदर का सरफेस, अंदर का जो बनता था वो कच्ची ईंटों से बनता था, जो बाहर से बनता था वो बर्नट ब्रिक यानी मजबूत ईंटों से बनता था। विच वर देन कवर्ड विद द थिक लेयर ऑफ प्लास्टर, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे, उसके बाद जब ईंटों का बनाया उसके बाद वहां पर बहुत थिक थिक लेयर का हमने प्लास्टर कर दिया। द मेदी एंड द तोरण, हमने तोरण जो होता है गेटवेज, मेदी जो नीचे की साइड होता है, हमने दोनों पढ़ लिए। द मेदी एंड तोरण वर डेकोरेटेड बाय वुडन स्कल्पचर्स, जो मेदी और तोरण थे वो सजाए जाते थे वुडन स्कल्पचर्स के थ्रू। डिवोटीज वॉक अराउंड द प्रदक्षिणा पाथ और ओपन एम्बुलेटरी पैसेज वे, हमने एम्बुलेटरी पैसेज वे पढ़ लिया। जो डिवोटीज थे, भक्त थे, वो क्या करते थे, यहाँ से चढ़ के गए और यहाँ पे गोल गोल घूम सकते थे, इधर से उधर, यहाँ पर ऐसे घूम सकते थे और प्रदक्षिणा कर सकते थे, ठीक। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सांची स्तूपा जो कि मध्य प्रदेश में, वो एक मोस्ट फेमस स्तूपा है अशोका के टाइम पे, और एक पिपरावा स्तूपा है जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो कि सबसे पुराना कहा जाता है। लोकेशन ऑफ नाइन स्तूपाज बिल्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, अभी हमने पढ़े थे ना कि नाइन स्तूपाज बने गए आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, जब बुद्धा की डेथ होने के बाद, जिसमें से आठ में मेधी में उनका रिलिक्स रखे जाते थे और जो एक बचा उसमें, वहां पर पॉट में रिलिक्स रखे जाते थे। तो वो जो नाइन स्तूपाज थे वो कहाँ कहाँ बने, ये उनकी प्लेसेस हैं, तो राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्रामा, वेथापीड़ा, पावा, कुशीनगर एंड पिपलविना, ठीक है। पिपलविना वन्ना, ये सारी जगह थी जहां पर ये स्तूपाज बनाए गए थे आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। अब आता है एक क्वेश्चन और, कि अशोकन पिलर्स और आर्मेकियन पिलर्स में क्या डिफरेंस था, हमने क्योंकि आर्मेकियन पिलर्स हमने डिस्कस कर लिया कि आर्मेकियन पिलर्स बनने लगे थे, तो यहाँ पर अब डिफरेंस क्या था इन दोनों में। जो शाफ्ट ऑफ द अशोकन पिलर वर मोनोलिथिक, यानी अशोकन पिलर जो बनते थे, जो नीचे का हमने शाफ्ट जो सबसे लॉन्ग बनता था, वो एक सिंगल मटेरियल से बना करता था, जो कि चुनार सैंड स्टोन से हमारा एक मटेरियल था। बट ऐसा इरानियन पिलर्स में नहीं था, जो आर्किमिनियन पिलर्स थे वहां पर जो नीचे का शाफ्ट बनता था वो वेरियस पीसेस ऑफ सैंड स्टोन्स बनता था, यानी कि अलग अलग पीसेस के, जो सैंड स्टोन्स के अलग अलग पीसेस से बनाया जाता था, यहां पर सिंगल पीस से बनाया जाता था, जिसे हम मोनोलिथिक भी कहते थे। उसके बाद जो अशोकन पिलर्स थे वो इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड हुआ करते थे, यानी कि कहीं भी बना दिए जाते थे, ठीक है। बट आर्मेनियन पिलर्स जो थे, आर्किमेनियन पिलर्स, वो बिल्डिंग्स में ज्यादातर, बिल्डिंग्स को अटैच करने के लिए ज्यादातर बनाए जाते थे। यहाँ पे हमारा अशोकन पिलर एक, आर्मेनियन पिलर्स जो इरानियन पिलर्स थे ईरान के, वो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी आपको दिखेगी। ये हमारा होता था क्या, यहाँ पे एक बार और पढ़ लेते हैं, ये हमारा क्या होता था, शाफ्ट, लॉन्ग शाफ्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर हुआ करता था हमारा कैपिटल, उसके ऊपर अबैकस, उसके ऊपर एक एनिमल फिगर यहाँ पे प्लेस कर देते थे, इस तरीके से हमारा पिलर्स का डिजाइन हुआ करता था। अब आ गए हम लोग पॉपुलर आर्ट पे, हमने अभी क्या कवर करा, कोर्ट आर्ट हमने कवर कर लिया, अब आ गए पॉपुलर आर्ट पे। कोर्ट आर्ट में हमने पैलेसेस, पिलर्स और स्तूपास देख लिए कैसे कैसे बने। अब पॉपुलर आर्ट में क्या हुआ, अपार्ट फ्रॉम द रॉयल पैट्रोनेज, केव आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी टुक द एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट बाय इंडिविजुअल एफर्ट। अब जो पॉपुलर आर्ट में ज्यादातर जो चीजें बनती थी वो इंडिविजुअल एफर्ट के थ्रू बनती थी,
केव आर्किटेक्चर स्टार्ट हो गए, ठीक है, अब गुफाएं बनना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे जो पीरियड है वो एमरजेंस दिखा रहा है रॉक कट केव आर्किटेक्चर्स का, यानी कि इसी पीरियड से रॉक कट केव्स का एमरजेंस हुआ, ओरिजिन हुए। फिर मौर्यन पीरियड के टाइम पर जो ये केव्स थी वो विहारास के, मतलब उस पर्पज से यूज करी जाती थी। विहारास क्या होता है, मीन्स लिविंग क्वार्टर्स, ठीक है। विहारास वो होता है जहाँ पे लोग रहते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, बुद्धिस्ट जैन मॉन्क्स थे, वो लोग रहते थे विहारास। और चैत्यास क्या होता है, जहाँ पे वो प्रेयर हॉल्स कहते हैं, यानी कि विहारास वो हुआ करते थे जहाँ पे बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स रहते थे, प्लस चैत्य वो हुआ करते थे जब वो प्रेयर हॉल्स, जहाँ पे वो लोग प्रे करते थे, ठीक है, आपको ये चीज़ भूलनी नहीं है। तो मॉडर्न पीरियड के टाइम पे जो केव्स बनाए गए वो जनरली यूज्ड एज विहारास, विहारास के ज़्यादातर बनाए गए जो कि लिविंग के लिए यूज करे जाते थे, रहने के लिए। वाइल द अर्ली केव्स वर यूज बाय अजवीका सेक्ट, ठीक है, उसके पहले जो कर्व्स केव्स थी वो क्या, किसके द्वारा यूज करी गई, अजीविका के द्वारा। लेटर दे बिकेम पॉपुलर एज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, फिर उसके बाद वो बुद्धिस्ट के थ्रू पॉपुलर हो गई। जो केव्स थी मॉडर्न पीरियड के टाइम पर वो ज़्यादातर हाईली पॉलिश हुआ करती थी, उनकी हाईली पॉलिश यानी चमचमाती हुई बना करती थी। ऑफ द इंटीरियर वॉल्स एंड डेकोरेटिव गेटवेज, ठीक है, उसके बाद उनकी जो इंटीरियर वॉल्स हुआ करती थी वो हाईली पॉलिश हुआ करती थी, और जो गेट हुआ करते थे आर्किटेक्चर के वो बहुत ज़्यादा सजे हुआ करते थे। एग्जाम्पल है हमारे पास एक बराबर और नागार्जुनी केव का जो कि बिहार में है। वर फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दशरथ, ठीक है, किन के टाइम पे यहाँ पर बनाए गए, दशरथ के टाइम पे, जो कि ग्रैंड सन है अशोका का। यहाँ पे हमारी बराबर केव है, आप देख सकते हैं किस तरीके से डिजाइन है। यहाँ पर जो गेटवेज हैं वो बहुत अच्छे से काम करा जाता था। नागार्जुनी केव, रॉक कट केव, आप देख सकते हैं रॉक को काट के यहाँ पे केव बनाई जा रही है। एक चीज़ और मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि जो बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स रहते थे जहाँ पर, उन्हें हम विहारास कहते थे। ज़्यादातर जो केव्स होती थी वो विहारास के लिए यूज़ करी जाती थी, और जो वहाँ पे जहाँ पे जाके वो प्रे करते थे उन्हें हम चैत्यास कहते थे। चैत्या यानी प्रेयर हॉल्स हुआ करते थे, विहारास में वो लोग रहते थे और चैत्या में जाकर प्रे करते थे। उसके बाद आते हैं हम लोग स्कल्पचर्स के ऊपर, ठीक है। केव आर्किटेक्चर खत्म हो गया पॉपुलर आर्ट में, अब आया हमारे स्कल्पचर्स कैसे थे। स्कल्पचर्स वर यूज प्राइमरी फॉर द डेकोरेशन ऑफ स्तूपा, जो स्कल्पचर्स थे वो ज्यादातर स्तूपा को डेकोरेट करा जाते थे, डेकोरेट करने के लिए यूज करे जाते थे, उनके तोरण को यूज करते थे डेकोरेट करने के लिए और मेदी को। फिर उसके बाद जो फेमस स्कल्पचर मौर्यन पीरियड के थ्रू आए वो क्या थे, यक्षा और यक्षिनी, यक्षी भी कहते हैं यक्षिनी भी। जो फेमस स्कल्पचर्स मौर्यन पीरियड में हुए वो थे यक्षा और यक्षिनी। दे वर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप रिलेटेड टू ऑल थ्री रिलीजन, यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि आप समझ लीजिए इन्हें गॉड समझते थे, पूजा करी जाती थी यक्षा और यक्षिनी की। कौन कौन से रिलीजन करते थे, जैनिज्म, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। अर्लिएस्ट मेंशन ऑफ यक्षी कैन बी फाउंड इन सिलापदिकरम, यानी कि सिलापदिकरम एक नॉवल मान लीजिए या टेक्स्ट, तमिल टेक्स्ट थी जहां से ये वर्ड निकल के आया यक्षी। सिमिलरली ऑल ऑफ द जैन थ्री थैंकर्स वर एसोसिएटेड विद द यक्षी, अब ऐसे ही वहां पर सब लोग उनकी, अब यहाँ पे पूजा करते थे यक्ष और यक्षिनी की। अब यहाँ पे हम लोगों को पिक्चर है जो आप ये देख सकते हैं, यह है यक्षिनी की और यह है हमारे यक्षा की, इस तरीके से वो हुआ करते थे स्कल्पचर्स कुछ, और यहाँ पे इनकी पूजा करी जाती थी। ये हमारी, मैंने इसकी पिक्चर लगा दी सिलापदिकरम, कुछ ऐसी ये टेक्स्ट होगी, नॉवल होगी जहाँ से ये यक्षी को देखा गया और निकाला गया, ठीक है, वहाँ से ये जो स्कल्पचर्स थे बनने स्टार्ट हुए, यहाँ से आइडिया लिया गया और वर्ड आया यक्षिणी। उसके बाद हमारी पॉटरीज कैसी हुआ करती थी, हमने क्या क्या कवर कर लिया पॉपुलर आर्ट में, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, रिवीजन करते रहना। केव आर्किटेक्चर कवर हो गया हमारा, उसके बाद हमने स्कल्पचर्स कवर कर लिया, अब आ गई पॉटरीज। पॉटरीज कैसे हुआ करती थी, ये एक लास्ट टॉपिक है मॉडर्न आर्ट का। पॉटरी जो थी मॉडर्न पीरियड में वो जनरली क्या हुआ कर कैसी हुआ करती, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा जाता था, NBPW फुल फॉर्म, वर कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्लैक पेंटेड एंड हाईली लस्ट्रस फिनिश, यानी कि जो वो पॉटरीज हुआ करती थी वो ब्लैक पेंट, उनपे ब्लैक पेंट कर दिया करा हुआ होता था, और हाईली लस्ट्रस यानी कि बहुत ही ज्यादा चमकीली और बहुत ही ज्यादा सुंदर पॉटरीज हुआ करती थी वो। एंड वर जनरली यूज्ड एज लग्जरी आइटम्स, और वो ज्यादातर लग्जरी आइटम्स यानी कि वो लोग ऐसे ही यूजुअली डेली बेसिस पर यूज नहीं करते थे उन पॉटरीज को, कोई फेस्टिवल के थ्रू या फिर इस इन सब चीज के थ्रू वो लोग यूज करते थे, कोई इवेंट होता था तो यूज करते थे ये, क्योंकि लग्जरी आइटम्स था, लग्जरी आइटम्स में से एक था ये पॉटरीज, इस तरीके से हुआ करती थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
और जो ये पॉटरीज है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉटरी कहा गया है अभी तक जो ये पॉटरी बनाई गई है हाईएस्ट लेवल की बनाई गई है। इसके बाद हम लोग जो है पोस्ट मॉडर्न आर्ट डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइज यहाँ पे बने रहिएगा। और लेक्चर कैसा लग रहा है, हम लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डीपली जा रहे हैं बुक में, ताकि आपको बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत डीपली जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बहुत डीप कवर कर रहे हैं। तो गाइज नेक्स्ट लेक्चर के में नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करिए और यहाँ पर आप बने रहिए।